भारत माता की जय। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा प्राप्ति के बाद राष्ट्र के जागरण के लिए, उसके संगठन के लिए, भारत के विकास के लिए समर्पित किया है, श्वेत वेश में जो सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, ऐसे प्रखर चिंतक विचारक हम सबके अति सम्माननीय श्रीमान दत्ता जी, हमारे अतिशय प्रिय श्रीमान आशीष जी, संजय जी, आचार्य शांतनु जी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, अध्यक्ष जो बनता है उसको ये शर्त दी जाती है कि तुमको सुनना है, बोलना नहीं है। तो इसलिए बोलने का मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं बैठा बैठा आदरणीय दत्ता जी को जब सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आयोजन के प्रति भी अन्याय हुआ है और दत्ता जी के साथ भी अन्याय हुआ है। मैं इस मंच से निवेदन कर रहा हूँ, 3 वर्ष बाद 2.5 वर्ष बाद हरिद्वार में महाकुंभ होने जा रहा है। आशीष जी, संजय जी, पूरे 1 मास की ये विचार गोष्ठी का आयोजन रखिए और अभी से दत्ता जी के 5 दिन बुक करिए आप। अथाह सागर है ज्ञान का, अथाह सागर, और बहुत वक्ता नहीं चाहिए, एक से ही तृप्ति होनी चाहिए। हिंदू धर्म, वैज्ञानिक धर्म में भाषण नहीं दूंगा, चूंकि 1 सेकंड की औपचारिकता पूरी करनी है। धर्म ही विज्ञान होता है, विज्ञान ही धर्म होता है। जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है, जिसको जिया जाता है वो धर्म है। जब शास्त्र का ज्ञान, मस्तिष्क का ज्ञान, आचरण और बुद्धि से बाहर, मस्तिष्क का ज्ञान जब आचरण और व्यवहार में आता है वो विज्ञान बन जाता है। धर्म का एक ही अर्थ है, धर्म का एक ही कार्य है। पूजा पद्धति को धर्म नहीं कहा, उपासना को धर्म नहीं कहा। जो आत्मा का विकास करता है वो जीवन शैली, वो आचरण, वो व्यवहार, जो आत्मा का विकास करता है और उस विकसित आत्मा में परमात्मा का प्रकाश करता है, उसी को धर्म कहा गया है। और चूंकि ये जीवन शैली हिंदुओं ने विकसित की है, इसलिए इसको हिंदू धर्म कहा जाता है। दुनिया में कोई अन्य जातियां नहीं है, दुनिया में केवल 2 ही जातियां हैं, एक देवों की जाति है, एक दानवों की जाति है। जो सत्य को जीता है, जो सदाचार को जीता है, जो शांति को जीता है, जो सेवा को जीता है, जो परोपकार को जीता है, जो धर्म को जीता है, जो दया को जीता है, जो करुणा को जीता है, जो समर्पण को जीता है, जो चेतना के साथ जुड़कर जीता है, वही देव है। और इसके अतिरिक्त जो जीता है वही दानव है। बंधुओं और बहनों, अगर हम इधर उधर हों तो कृपया थोड़ा रास्ता बदलिए, थोड़ा सा रास्ता बदलिए। हिंदू धर्म ये मानव से देव की ओर, देव से महादेव की ओर, और महादेव से ब्रह्मत्व की ओर ले जाने की सीढ़ी है। ये जाति नहीं है, ये धर्म नहीं है, जीवन शैली है। प्रकाश में जीना, ज्ञान में जीना, सदाचरण में जीना, यही धर्म है। इसी की शिक्षा इस कुंभ के अंदर दी जा रही है। मुझे लगता है कि हम यहाँ से जाएंगे तो केवल बहुत छोटी सी बात का निवेदन कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े शास्त्र मंत्रों की बात नहीं करता। जिस आचरण को, जिस क्रिया को, जिस व्यवहार को छुपकर करना पड़ता है, चोरी से करना पड़ता है, कोई देख न ले इस सावधानी से करना पड़ता है, जिस आचरण, क्रिया और व्यवहार को करते समय हृदय धक धक करने लगता है, घबराहट पैदा होने लगती है, किसी को पता न लग जाए इसकी सावधानी बरतनी पड़ती है, वो सब अधर्म है, वो सब पाप है। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ करते हों वो सब धर्म है, पुण्य है, सत्कर्म है। मार्ग बदल दीजिए। इसी आग्रह के साथ इस आयोजन को, आयोजनकर्ताओं को, आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।